हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, ये सौरभ डॉग चैनल, आपका अपना चैनल। आई एम योर दोस्त एंड योर होस्ट सौरभ वर्मा फ्रॉम यूपी वाराणसी। मैं सौरभ वर्मा उत्तर प्रदेश वाराणसी से और डॉग बिहेवियर 8.5 सालों से लगातार आपकी सेवा में हूँ और अलग अलग मुद्दों पे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, डॉग से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, अलग अलग ब्रीड से रिलेटेड और उनसे जुड़ी सूचनाओं से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो गोल्डन रिट्रीवर के ऊपर है। देखिए, हमारे पास आज बहुत प्यारे गोल्डन रिट्रीवर डॉग है। पहला रहा ये, देखिए क्या ही सुंदर और जबरदस्त क्वालिटी का ये गोल्डन रिट्रीवर का पप्पी है। और दूसरा रहा ये देखिए, हेलो कर दो। तो गोल्डन रिट्रीवर बेसिकली आपने सबसे ज्यादा, अब के लोग जो भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या जानते हैं या चाहते हैं, वो एंटरटेनमेंट वाले डॉग के नाम से जानते हैं। एंटरटेनमेंट एक मूवी आई थी जिसमें गोल्डन रिट्रीवर थे और गोल्डन रिट्रीवर बहुत बढ़िया गोल्डन रिट्रीवर, उसमें डार्क गोल्डन कलर का गोल्डन रिट्रीवर था। और इस पे बच्चों पे फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए, ये पपीज है और कितने सुंदर, मतलब आपस में खेलने वाले पपीज है। तो गोल्डन रिट्रीवर जो वहां पे था वो बेसिकली अक्षय कुमार जी का बहुत प्यारा सा डॉग था, बहुत इंटेलिजेंट उस फिल्म में दिखाया गया है गोल्डन रिट्रीवर को, बहुत समझदार दिखाया गया है, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक दिखाया गया है एंटरटेनमेंट वाले डॉग को। ये डॉग बहुत खूबसूरत होते हैं दोस्तों, बहुत मस्त होते हैं। अब आप देखिए, ये आपको कैमरे में देख रहा है, ये मस्ती कर रहा है। हाय बाबू, हाय बच्चे, हेलो। तो ये गोल्डन रिट्रीवर है गाइस, बहुत बढ़िया, लवली, फ्रेंडली, बहुत अच्छा डॉग होता है, फैमिली के लिए बड़ा कंपैटिबल होता है और कोई भी इसे रख सकता है। मतलब जैसे आप लैब्राडोर रखते हैं वैसे ही आप गोल्डन रिट्रीवर रख सकते हैं, जैसे आप जर्मन शेफर्ड रखते हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा ईजी होता है। हाँ, क्योंकि इनके फर बहुत बड़े होते हैं, इनके कोट बहुत ज्यादा होते हैं, ये डबल कोट, लॉन्ग कोट वाले फर वाले डॉग है। आप जैसा कि देख सकते हैं इनका फर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी के पपीज है। तो इनमें थोड़ी शेडिंग होती है, तो अब शेडिंग रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 के सिरप इनको रेगुलर बेसिस पे दें। आप जब ये 3-4 महीने के हो जाए तो बॉइल्ड एग स्टार्ट कर दें, तो प्रोटीन कंटेंट मिलेगा, तो हेयर फॉल नहीं होगा। और सेकेंड थिंग इज दैट कि आप इनकी कॉम्बिंग करें। अगर आप एक गोल्डन रिट्रीवर ले रहे हैं तो बी रेडी फॉर दैट कि आपको इनका ग्रूमिंग करना पड़ेगा। आप प्रॉपर टाइम टू टाइम इनको ग्रूमिंग करेंगे और ग्रूमिंग करने के बाद इनकी शेडिंग जो है बहुत कम हो जाती है या फिर ना के बराबर हो जाती है। शेडिंग होने के 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कि आपके घर के जो छोटे बच्चे होते हैं, जो आपके नन्हे मुन्ने भतीजे बच्चे जो किड्स होते हैं ना घर के, वो चॉकलेट खाते हैं, टॉमी खाएगा, टॉमी को दे दिया। मैरीगोल्ड खाया, टॉमी खाएगा, वो भी टॉमी को दे दिया। केक खाया, वो भी टॉमी को दे दिया। गुड्डे खाया, वो भी दे दिया। बिस्किट, नमकीन, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, एक्लेयर, केक, बॉबन, ट्रीट, ओरियो, जो खाते हैं वो सब अपने पेट को खिलाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है ना कि डॉग्स को कभी भी सॉल्ट या स्वीट्स वाली चीजें नहीं देना चाहिए। डॉग को अगर आप स्वीट देना भी चाहते हैं तो नेचुरल स्वीट दीजिए। नेचुरल स्वीट मीन्स मैंगो दे सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटोज दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, मतलब जितने भी फ्रूट्स है ना, आप सारे फ्रूट्स उनको दे सकते हैं। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि अब जो पपीज आपको मिलेंगे वो अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। अब रेट बढ़ने की वजह से पेट ओनर्स को या पेट लवर्स को एक फायदा है कि अभी कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खहरा कहीं का भी आपको पपी सेल नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है 5-10-8 हजार में पपी मिल नहीं रहे। तो 5-7-8 हजार में वो पपी आपको दे नहीं पाएगा। आप खोजोगे ऑथेंटिक ब्रीडर, आप जाओगे ऑथराइज ब्रीडर के पास, आप हमसे कांटेक्ट करोगे और हम आपको अच्छी चीज दे पाएंगे। तो एक फायदा तो ये है और इस जैसे बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, किसी ब्रोकर या ट्रेडर से लेने में या किसी दलाल से लेने में सबसे भारी नुकसान है कि कल को अगर वो उसने आपको मिक्स ब्रीड दे दिया तो वो अपने हाथ खड़े कर लेगा, भैया मुझे क्या पता, मैंने तो कहीं से लेके दिया था, आप उनसे बात कीजिए। कल को पपी आपको उसने बीमार दे दिया, कोई डिमेरिट हो गई, कोई डिजीज के साथ दे दिया, चलो पार्वो या केनाइन डिस्टेम्पर्स वाला पपी आपको दे दिया, तब भी वो अपने हाथ खड़े कर लेगा। बट दोस्तों ऑथेंटिक ब्रीडर ऐसा नहीं करता। अगर उसके साइड से कोई गलती है तो हर ऑथेंटिक ब्रीडर आपकी बात मानता है। इवन आप जब भी हमसे पपी लेते हैं तो हम पहले पपी का चेकअप कराते हैं,
पपी को वैक्सीनेशन कराते हैं, पपी का डिवॉर्मिंग करते हैं दो बार, पपी को हेल्दी रखते हैं 40-45-50 दिन का करके, अच्छा खासा हेल्दी तरोताजा बड़ा करके आपको देते हैं। अभी आप जैसे ये पपी देख रहे हो गाइस, तो राइट नाउ ये पपी 35 डेज के हैं, तो अभी इतना छोटा पपी हम आपको दे नहीं सकते, तो हम 10 से 15 दिन बाद इन पपीज को आपको सेल कर पाएंगे, अडॉप्ट करा पाएंगे, जब ये पपी 45-50 दिन के हो जाएंगे, प्रॉपर डिवॉर्मिंग करके, प्रॉपर थोड़ा बड़ा करके, इन बच्चों का वैक्सीन लगा के। छुई लगेगा ना तुमको, छुई लगेगा ना, छुई छुई छुई। तो गाइज ये बहुत प्यारे होते हैं। और अच्छा अब आते हैं इनके प्राइजेस पे। तो जो मेल की प्राइस है दोस्तों गोल्डन रिट्रीवर की, इस मेल की प्राइस है 45,000 रूपए, 45,000। आई नो सुनने में आप लोग को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं। और जो फीमेल की प्राइस है गाइज वो है 35,000, यानी कि 70,000 रूपीज का ये पेयर है हमारा, ठीक है। और हमारे पास गोल्डन रिट्रीवर में कई क्वालिटी है दोस्तों, हमारे पास 70,000 का पेयर है, 80,000 का पेयर है, 90,000 का पेयर है। तो ये सबसे कम वाले पपीज है 70,000 रूपीज में। हमारे पास 85,000, 90,000, 1,00,000 रूपए तक के पेयर है। आप जब हमारे यहाँ पे आएंगे तो हम आपको वेराइटीज या क्वालिटीज दिखा पाएंगे दोस्तों। तो कई बार क्या होता है कि अभी आप मेरी ये बात आपने दिमाग में लगा लिया कि 70,000 का पेयर, और फिर आप आते हैं और आपने कहा कि भैया मुझे तो फोन पे 90,000 का पेयर बताया गया, तो ऑब्वियस सी बात है इन बच्चों से बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। अगर किसी जगह आपको 50,000 में पेयर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है इन बच्चों से बहुत लोअर क्वालिटी होगी। तो गाइज सौरभ जॉग कैनल यानी कि SDK अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हम आपको वो देते हैं जो आप लेना चाहते हैं, हम आपको तब देते हैं जब आप लेना चाहते हैं। वी कैन नॉट फोर्स यू, और कोई भी आपको फोर्स तो कर ही नहीं सकता। आप कस्टमर हैं और आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, आपको बोलने का हक है, आपको सवाल पूछने का हक है। आप पूछिए, आप हमारे टेलीकॉलर से जो पूछना है XYZ ABCD सब पूछिए, वो आपको बताएंगे। जब आप सेटिस्फाइड हो जाए तभी आप लेंगे। हमारे द्वारा कभी भी आपके ऊपर कोई प्रेशर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है। और आप सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, सौरभ डॉग कैनल का एक बहुत बड़ा आलीशान शोरूम खुल रहा है वाराणसी में। कहाँ खुल रहा है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और जिसका इनोग्रेशन का जो हम फीता कटवाएंगे वो भी एक बहुत ही जाने माने, बहुत बड़े, बहुत नामचीन व्यक्ति से कराएंगे, उसको भी आपको हम शूट करके दिखाएंगे। सो गाइज आप सबके वेल विशेस चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए। आप सबके सपोर्ट से, प्यार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी रीवा में भी हमारी एक ब्रांच खुलने वाली है। और हमें ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हम बढ़ रहे हैं। यस वी आर ग्रोइंग। तो पर्सनल एक बात कहना चाहूंगा, अ विनर कैन नॉट स्टॉप, एक विजेता को आप रोक नहीं सकते। ये बातें मैं उनको कहना चाह रहा हूँ जो हेटर्स हैं, जो मेरे अगेंस्ट हैं, या जो दूसरे चैनल पे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बकवास कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं महंगा देता है, महंगा देता है, महंगा देता है। अरे यार अगर मैं महंगा देता हूँ तो एक दिन में रोज 2-3 वीडियो डालता हूँ, रोज मैं 4-5-6 बच्चे लाता हूँ। मेरे पास ये बच्चे कहाँ से आते हैं, बिकते हैं ना? कोई रबड़ का बच्चा तो यार उठाया वीडियो बनाया फिर दे दिया, उठाया वीडियो बनाया दे दिया। भाई डॉग फार्म दिखा दिया, घर दिखा दिया, अपनी लाइफस्टाइल दिखा दी, डॉग दिखाए, सब कुछ दिखाया, अब तो चुप कर जाओ, तुमको अगर थोड़ी बहुत शर्म है तो। मैं उन हेटर्स के लिए कह रहा था, खैर चलिए इन पे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और हम बढ़ रहे हैं यार। और पता है तुम लोग कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, आप क्या सोचते हो, आई डोंट केयर। बट हाँ ये लोग जो देख रहे हैं, आप सब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, पूरी मेरी जो SDK टीम है, ये 2,54,790 परिवारों का जो सपोर्ट है ना सौरभ डॉग कैनल का, ये जो SDK परिवार है मेरा, आप लोग जो है, आप लोग मेरी ताकत है, आप लोग मेरी हिम्मत है, आप लोग मेरे सपोर्टर्स हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेजेस करते हैं लव यू सौरभ भैया। पर डे मैं कुछ नहीं तो 40-50-60 ऐसे मैसेजेस रिसीव करता हूँ, आई लव यू सौरभ भैया, सौरभ सर आई लव यू, सौरभ सर आई लव यू, सौरभ सर वी मिस यू, सौरभ आप कब आओगे, मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ कब मैं आपसे मिलूंगा। सो गाइज दैट्स मी, ये मैं हूँ, और ऐसे लोग मुझे पसंद करते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आप सबके बेहद कीमती समय के लिए, क्योंकि अगर आप लोग 5 मिनट मेरा वीडियो देखते हैं, अगर आप अपने जीवन का 5 मिनट देते हैं एक दिन में, 10 दिन में 50 मिनट देते हैं, और एक महीने में 150 मिनट,
अगर मैं एक साल की बात करूं तो 150 × 12 1800 मिनट देते हैं आप, यानी कि साल का 30 घंटा आप एसडीके को दे रहे हैं। एक साल का 30 घंटा यार किसी के पास फालतू नहीं होता। आप सब इतना ज्यादा समय मुझे देते हैं, थैंक यू सो मच, हैट्स ऑफ टू यू। और मैं आपके इस इज्जत अफजाई का और जिस पोजीशन पे मैं हूँ, जिस जगह आपने बैठा रखा है, जिस कुर्सी पे आप सबने मान सम्मान दे के बैठा रखा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये हमारी एक अचीवमेंट है। मेरा सपना था कि एक ऐसा शोरूम हो जो शायद पूरे बनारस में ना हो, तो हम बहुत जल्द एक ऐसा शोरूम खोलने जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। और इन पपीज के लिए जल्दी जल्दी से फोन उठाएं, अपना नंबर नीचे हमारा दिया हुआ है, कॉल करें, अपने पपीज को बुक कराएं। मेल 45,000, फीमेल 35,000, बुकिंग लाइन ओपन है। डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़े, एक एक चीज मैंने डाला है, एज, क्वालिटी, पेरेंट्स, माँ बाप, गाइडेंस और क्या क्या है। हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे ऐसे ही प्यार देते रहे और अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपका सौरभ आपके साथ, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। क्योंकि हम खुशियां बांटते हैं।